नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड क्या है, इसमें इन्वेस्ट कैसे करें, नए लोग इसमें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। जब किसी के पास सेविंग होती है तो वो जनरली उसे अपने सेविंग अकाउंट में रखना पसंद करते हैं और वहाँ से इंटरेस्ट अर्न करना पसंद करते हैं। उसके बाद आता है फिक्स डिपॉजिट, या तो वो फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, वहाँ से इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं, या तो वो गोल्ड और ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में करते हैं, या स्टॉक मार्केट में, गवर्नमेंट बॉन्ड में, कॉर्पोरेट बॉन्ड में, क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन में, पीपीएफ में और बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। लेकिन इन सारे इन्वेस्टमेंट में सिर्फ हाई रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट से ही प्राप्त होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में रिस्क भी बहुत ही हाई है। स्टॉक मार्केट में हाई रिटर्न के साथ साथ हाई रिस्क भी है कि इसमें आपका जो मनी है, आपका जो कैपिटल है, इसमें आपका बहुत ही लॉस भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो रिस्क है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद जो हमारा होता है फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड, ज्वेलरी, रियल एस्टेट, इससे हमारा रिटर्न जो है बहुत ही कम प्राप्त होता है। ऐसे में आप भी जानना चाहते होंगे कि वो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा रिटर्न भी अच्छा प्राप्त हो और रिस्क भी कम हो, तो वो है हमारा म्यूचुअल फंड, जिसमें आपका रिस्क भी मॉडरेट हो जाता है और रिटर्न भी आपको मॉडरेट मिलता है, मतलब मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी स्पेशल टाइप के इन्वेस्टमेंट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, कि म्यूचुअल फंड क्या है, इसमें इन्वेस्ट कैसे करें, नए लोग इसमें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो आपका इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न जो है वो तीन बातों पर निर्भर करता है, कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, दूसरा आपका रिस्क फैक्टर क्या है, आप हाई रिस्क ले रहे हो या मीडियम रिस्क ले रहे हो या लो रिस्क ले रहे हो, उसके बाद आता है हमारा आप कितने टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। तीन बातों पर निर्भर करता है, पहला जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो अमाउंट, तो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर, दूसरा आपका रिस्क फैक्टर पे, अगर आप हाई रिस्क लेते हो तो हाई रिटर्न। यह हमेशा बात सत्य है कि जब आपका रिस्क हाई होगा तो रिटर्न भी हाई होगा। उसके बाद तीसरा आता है टाइम फ्रेम, आप लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिटर्न भी जो है कंपाउंडेड जब होता है तो वो आपको एक हाई रिटर्न देता है। तो इसलिए टाइम फ्रेम जब भी रखें, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अपना गोल रखें, जैसे 20 इयर्स, 10 इयर्स, 30 इयर्स, इस तरह का जब आप टाइम फ्रेम में इन्वेस्ट करते हो तो आप एक बहुत ही ह्यूज रिटर्न प्राप्त करते हो। तो अगर आप इस मैजिक को देखना चाहते हैं रिटर्न के लॉन्ग टर्म फ्रेम को, तो हमने अपने चैनल पर कई सारे वीडियो उपलब्ध है, आप हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ पर उन सारे वीडियोज को देखिए जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है और म्यूचुअल फंड कैसे एक लॉन्ग टर्म में आपको एक कंपाउंडेड एक अच्छा रिटर्न देता है। तो अब हम आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पे कि म्यूचुअल फंड क्या है, इसमें कैसे इन्वेस्ट करें, नए लोग इसमें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड। तो एक सिंपल एग्जांपल से हम आपको म्यूचुअल फंड को समझाते हैं, पहले एक जो हमारा डेली लाइफ है उसके एग्जांपल से। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि आपको दिल्ली से नोएडा जाना है और आपके पास गाड़ी है अपना उपलब्ध, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप गाड़ी खुद से ड्राइव करेंगे और दिल्ली से नोएडा जाएंगे, और दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको गाड़ी चलाने नहीं आती है तो आप एक एक्सपर्ट को हायर करें, मतलब एक एक्सपर्ट ड्राइवर जो है उसको अपने पास जॉब पे रखें और वो गाड़ी को चलाते हुए लेकर के आपको जाएगा दिल्ली टू नोएडा। तो यहाँ आपने देखा कि एक जो आपके पास गाड़ी है और आपको जाना है दिल्ली टू नोएडा, तो या तो आप गाड़ी खुद से लेकर जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे, जब आप खुद एक्सपर्ट होंगे गाड़ी को चलाने में। दूसरा, जब आप गाड़ी को चलाने नहीं जान रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एक एक्सपर्ट को अपने पास रखेंगे, मतलब अपने जॉब पे रखेंगे, मतलब हायर करेंगे, और वो गाड़ी चलाते हुए आपको दिल्ली टू नोएडा लेके जाएगा। तो सेम है हमारा, जैसे कोई स्टॉक मार्केट में जान रहा है तो वो खुद से स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, और जो नहीं जान रहा है स्टॉक मार्केट को तो वो एक प्रोफेशनल को अपना रुपया देता है, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, जो हमारा एक्सपर्ट इन्वेस्टर है किसी भी AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, तो वो उस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना रुपया इन्वेस्ट कर देता है, और आपके जैसे जैसे बहुत सारे लोग मिलकर के उसमें एक पूल ऑफ मनी देता है, और जो एक्सपर्ट मैनेजर होता है उसको मैनेज करता है, उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि कोई स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड में, सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहता है, या तो वो खुद इन्वेस्ट कर सकता है अगर वो एक्सपर्ट है उसे जान रहा है, या तो वो म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकता है जहां पर उसका जो मनी होगा, उसका जो एसर्ट होगा, उसका जो कैपिटल होगा, एक एक्सपर्ट मैनेज करेगा, वो
इन्वेस्ट करेगा, इसके बदले में वो एक फी आपको चार्ज करेगा जो कि होगा 0.1% से लेकर के 3% तक। ये आपके म्यूचुअल फंड प्लान पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड प्लान चूज करते हैं, जो कि हम पूरी तरह से डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, कितने तरह का होता है, कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही होगा, कौन सा लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव के सही होगा, कौन सा इनकम टैक्स बेनिफिट के लिए सही होगा। तो फर्स्ट है हमारा कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड है क्या? द एज द नेम सजेस्ट, देख सकते हैं जैसा कि नाम सजेस्ट करा, म्यूचुअल मतलब हम लोग मिलकर के आपस में एक पूल ऑफ मनी क्या करते हैं, दे देते हैं किसको, एक एक्सपर्ट मैनेजर को, कहीं एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, और वो हमारा क्या करता है, उसे इन्वेस्ट कर देता है। और कहाँ इन्वेस्ट करता है, ये आपके गोल पे डिपेंड करता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कि हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। आप इसमें एक सिस्टमैटिक प्लान के तहत इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब हर मंथ एक 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं, मतलब जितना से मन हो आप उतना से स्टार्ट कर सकते हैं। यहां तक कि अब 100 रुपये का भी SIP आ चुका है कि आप 100 रुपये से पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड हमारा क्या है कि एज द नेम सजेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम इज ए शेयर्ड फंड, मतलब हम लोगों के बीच ये शेयर्ड किया हुआ रहता है। इट कलेक्ट्स मनी फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर, मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर से मनी को कलेक्ट करता है जो म्यूचुअल फंड स्कीम है या कहें जो AMC कंपनी है। और कलेक्टेड मनी इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज में, और ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिज इंस्ट्रूमेंट, या तो स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, या तो बॉन्ड में, या तो सिक्योरिटीज में, या इन सब के एक कॉम्बिनेशन में, मतलब सब में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता है, जो कि आप के गोल पे निर्भर करता है कि आप कैसा फंड चूज करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड को कई कैटेगरी में बांट दिया गया, आप कौन सी कैटेगरी चूज करते हैं उस पे निर्भर करता है। आगे है, इन म्यूचुअल फंड स्कीम यू कैन डू ए डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टिंग एट वन प्लेस। जो म्यूचुअल फंड स्कीम है इसमें एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब जैसे आपके पास 1000 है तो आप 1000 में किसी एक कंपनी के 1-2 स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, वो भी 2 स्टॉक तब बाय कर पाएंगे 1000 में जब उस स्टॉक का प्राइस 500 होगा। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं कि आप 10 कंपनियों में अपने 1000 रुपया ही लगाना चाहते हैं, तो वो संभव नहीं है अच्छे कंपनियों में लगा पाना, मतलब जिस कंपनी के स्टॉक 1000 या उससे ऊपर हो। लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक पुल ऑफ मनी, बहुत सारे लोगों का रुपया का कलेक्शन होता है और बहुत सारे स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे वो आपका 1000 रुपया कई सारी कंपनियों में छोटे छोटे टुकड़ों में बाँट दिया जाता है। तो इससे डाइवर्सिफिकेशन होता है, जिससे आपका जो रिस्क फैक्टर है, जो रिस्क है वो कम होता है। आगे, म्यूचुअल फंड स्कीम इज स्टार्टेड बाय एन AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे HDFC AMC, एक्सिस बैंक AMC, उसी तरह ICICI AMC, बहुत सारे AMC कंपनियां हैं जो कि म्यूचुअल फंड स्कीम को लॉन्च करती है और उसमें पब्लिक जो इन्वेस्ट करते हैं। आगे हमारा, टू इन्वेस्ट मनी इन म्यूचुअल फंड यू गिव मनी टू AMC, आप AMC को देते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, और मेनी पीपल लाइक यू ऑल्सो गिव मनी टू AMC। The AMC appointed an expert manager. AMC क्या करता है, एक एक्सपर्ट मैनेजर को हायर कर देता है, और the management invest all investors money collectively in different securities या के different instrument and allots unit to you, और आपको यूनिट दे देता है, और उस यूनिट का प्राइस जो है AMC तय करता है, और उस प्राइस के अनुसार आप जितना रुपया इन्वेस्ट करते हैं उसके अनुसार आपको कितना यूनिट मिलता है वो तय होता है। करें, द प्राइस ऑफ ईच म्यूचुअल फंड यूनिट इज नॉन एज NAV, जो NAV के नाम से जानते हैं, ईच म्यूचुअल फंड, प्रत्येक जो म्यूचुअल फंड का एक यूनिट होगा उसको हम NAV कहते हैं, नेट एसर्ट वैल्यू। तो आप जैसे NAV को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट से, आपका टोटल फंड का जो वैल्यू है वो प्राप्त होता है। तो जब आप कभी सेल करेंगे या जिस समय आप बाय करते हैं, तो बाद में जैसे SIP करते हैं, ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड, जो आगे जानेंगे, ओपन एंडेड में आप कभी भी बाय कर सकते हैं, किसी मंथ SIP को रोक भी सकते हैं, और जब चाहे आप SIP कर सकते हैं। तो ऐसे में आप जो है जो नेट एसेट वैल्यू होता है उस फंड का, उसी को बाय करते हैं, और सेल करते समय भी यही NAV को आप सेल करेंगे, यही प्राइस जो है हमारा लगातार, जैसे जैसे फंड का एसेट वैल्यू, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है, NAV बढ़ता है। आगे हमारा, कि द ओवरऑल रिटर्न रेट ऑफ म्यूचुअल फंड इज ऑब्टेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो सारा जो कलेक्टिवली रिटर्न होता है वो हमारा क्या होता है, ओवरऑल रिटर्न रेट म्यूचुअल फंड का।
तो देखिए म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, ये आप इन्वेस्टर हैं, हम और आप जो इन्वेस्टर हैं, यहाँ से ये मनी कलेक्ट करता है फंड मैनेजर मतलब AMC कंपनियाँ। ये AMC कंपनियाँ फिर डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में जैसे बॉन्ड हो गया, स्टॉक्स हो गया, उसमें इन्वेस्ट कर देता है। फिर उससे जो हमारा ओवरऑल रिटर्न रेट प्राप्त होता है उसे फिर से क्या कर देता है, रिटर्न बैक टू इन्वेस्टर। और इस बीच में यह क्या करता है फंड मैनेजर, जो भी आपका रिटर्न प्राप्त हुआ उसका जो एक्सपेंस रेशियो है उसके अनुसार आपको वो चार्ज करता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ अपने फंड मैनेजर को सैलरी देने में, कंप्यूटर ऑफिस, इन सब के खर्च के रूप में, तो ये सारे जो खर्च हैं उसके लिए वो आपको एक मतलब 1% 0.5% 0.1% तक होता है इंडेक्स फंड में, तो ये चार्ज करता है आपको एक्सपेंस रेशियो के रूप में जो म्यूचुअल फंड कंपनियां होती है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड कंपनियों में जो ये आपको चार्ज करती है एक्सपेंस रेशियो, वो जितना कम हो आपका रिटर्न उतना ही बेहतर होगा। क्योंकि अगर आपका एक्सपेंस रेशियो 0.5 है और किसी का एक्सपेंस रेशियो 1.5 है तो आपका रिटर्न परसेंट 1% क्या हो गया, अधिक हो गया। तो इस तरह से आप जो इसके लिए डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान दो में से किसी एक प्लान को चूज कर सकते हैं। जनरली रेगुलर प्लान में जो एक्सपेंस रेशियो होते हैं ज़्यादा होते हैं, डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो कम होते हैं, जो कि आगे आएगा। सारे टॉपिक्स को हमने इस वीडियो में कवर किया है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन, जो हमारा म्यूचुअल फंड है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, तो उसी की बात करते हैं कि हम म्यूचुअल फंड को कितने भागों में बांटे हैं। म्यूचुअल फंड को हम अलग अलग टाइप में क्लासिफाइड किए हैं अकॉर्डिंग टू रिस्क और अकॉर्डिंग टू रिटर्न, तो हर बेसिस पे। तो सबसे पहला कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव जो है उसके आधार पर जो हमारा म्यूचुअल फंड स्कीम है उसे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो कैटेगरी क्या है, तो पहला है हमारा इक्विटी फंड, दूसरा है हमारा डेब्ट फंड और तीसरा है हमारा हाइब्रिड फंड। तो पहला हमारा क्या हो गया, इक्विटी फंड, दूसरा हो गया डेब्ट फंड और तीसरा हो गया हमारा हाइब्रिड फंड। कुल तीन भाग में म्यूचुअल फंड को बांटा गया है आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो गोल है उस आधार पर। तो पहला इक्विटी फंड, इक्विटी फंड क्या होता है, इसमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो स्टॉक्स में किया जाता है, जो स्टॉक मार्केट है उसमें अलग अलग कंपनियों के स्टॉक में किया जाता है। तो इक्विटी फंड में आपको रिटर्न बहुत ही हाई मिलता है, तो इसमें आपका रिस्क भी बहुत ही हाई होता है। वहीं है दूसरा डेब्ट फंड, डेब्ट फंड में आपका जो रिटर्न होता है वो कम होता है, तो इसमें आपका रिस्क भी कम होता है। उसके बाद हाइब्रिड फंड, हाइब्रिड फंड होता है हमारा दोनों का मिक्सचर, मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया इक्विटी फंड में, कुछ कर दिया हमारा डेब्ट फंड में, मतलब कुछ स्टॉक्स में कुछ बॉन्ड में, तो उसको हम हाइब्रिड फंड या कहें बैलेंस्ड फंड, मतलब इसमें आपका रिस्क भी बैलेंस हो गया, आपका जो रिटर्न है वो भी बैलेंस हो गया। तो रिस्क और रिटर्न दोनों को बैलेंस करने के लिए बनाया गया है हाइब्रिड फंड। तो कुल इस तरह के तीन फंड को हमने आपके ऑब्जेक्टिव के आधार पर इसे डिवाइड किया है। ऐसे लोग आप कहीं पर सुनेंगे पांच तरह के फंड, जैसे दूसरा होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड, इंडेक्स फंड, आपको आगे सारे फंड्स इसमें देखने मिलेंगे कि सारे फंड्स को मैंने रखा है और सबको अलग अलग कैटेगरी में हमने रखा है। तो अलग अलग लोग आपको अलग अलग तरह के कैटेगरी में बांटते हुए मिलेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम इक्विटी फंड, इसको डिटेल में जानते हैं इक्विटी फंड क्या है, इस इक्विटी फंड में कितने तरह के फंड हैं, मतलब इक्विटी फंड में बहुत तरह के फंड हैं। तो इक्विटी फंड है हमारा कि इन म्यूचुअल फंड स्कीम दैट इन्वेस्ट इन स्टॉक्स या शेयर ऑफ कंपनीज, इक्विटी फंड आर आइदर एक्टिव और पैसिव, ये एक्टिव भी हो सकता है या पैसिव भी हो सकता है। पैसिव जैसे इंडेक्स फंड हो गया, इंडेक्स फंड में जैसे आप निफ्टी में इंडेक्स में जैसे आप निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स है उसमें उसी रेशियो में इन्वेस्ट हो जाएंगे। वहीं एक्टिव फंड्स होते हैं, एक्टिव फंड्स में आपका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है और इसमें लगातार जैसे कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है निफ्टी में तो उससे मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको उससे निकाल करके दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये एक्टिव फंड में होता है कि जो स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसे बाहर कर दिया जाएगा और नए एक्टिव स्टॉक्स जो कि अच्छा रिटर्न दे रहा है, ग्रोथ दे रहा है, उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इस तरह से इसमें एक्टिव और पैसिव तरह के फंड होते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रोथ फंड, क्योंकि इसमें बहुत ही तेज ग्रोथ देखने मिलता है, तो इसे हम ग्रोथ फंड के नाम से भी जानते हैं। अब हम जो इक्विटी फंड है इसे बहुत तरह के कैटेगरी में बांटते हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और
स्मॉल कैप, मतलब जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है कंपनियों का, मतलब स्टॉक्स जो है आप कौन सी कंपनी का चूज करते हैं, शेयर कौन सा कंपनी का चूज करते हैं उस पर निर्भर करता है। जैसे बड़ी कंपनियां है उसको हम लार्ज कैप बोलते हैं, मतलब जिसका मार्केट कैप लाख करोड़ में होता है, जैसे 50,000 करोड़ से अधिक होता है जिसका मार्केट कैप, उसे हम लार्ज कैप कंपनी कहते हैं। तो जब आप लार्ज कैप में मतलब अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बोलते हैं, और मिड कैप कंपनियों में जब आप इन्वेस्ट करते हैं उसे मिड कैप इक्विटी फंड बोलते हैं। उसी तरह स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब स्मॉल कैप कंपनियों के स्टॉक्स में, तो उसे स्मॉल कैप इक्विटी फंड बोलते हैं। उसके बाद आता है दूसरा मल्टी कैप इक्विटी फंड, मतलब इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया जाता है, मतलब अलग अलग प्रोपोर्शन, आप जो अमाउंट दिए उसका कुछ भाग लार्ज कैप में, कुछ मिड कैप में, कुछ स्मॉल कैप में, तो इसको हम कहते हैं मल्टी कैप या डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। मतलब ये आपका डाइवर्सिफिकेशन हो गया हर तरह के कंपनियां लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो आपका रिटर्न भी होगा ओवरऑल तीनों के रिटर्न को मिला करके आएगा, और आपका जो रिस्क हो गया वो भी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसको कहते हैं डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। उसके बाद आता है ELS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इस फंड के तहत आप जब स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ELSS के तहत आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80C। उसके बाद आता है हमारा इंडेक्स फंड, जैसा कि हमने पहले भी बोला था इंडेक्स फंड, जैसे निफ्टी 50 में आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये हमारा निफ्टी 50 को फॉलो करेगा। वहीं सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड, ये किसी एक खास सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है। डिविडेंड यील्ड फंड, मतलब आप किसी डिविडेंड देने वाले म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम उन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो कि डिविडेंड देती है। तो उसी तरह से इंडेक्स फंड किसी इंडेक्स को फॉलो करता है, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, उसी तरह से आप अलग अलग बैंकिंग इंडेक्स, किसी इंडेक्स में आप इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड, तो उसके बाद आता है हमारा डेप्ट म्यूचुअल फंड। तो डेप्ट म्यूचुअल फंड, इट इज़ अ म्यूचुअल फंड स्कीम दैट इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो ये किसमें बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसमें इन्वेस्ट करता है। दैट ऑफर्स कैपिटल एप्रिसिएशन, जो कि कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब जो कैपिटल की वृद्धि है उसे जो देता है, मतलब जो भी बॉन्ड, जो भी सिक्योरिटीज, मनी मार्केट, उसमें ये इन्वेस्ट करता है। फंड को भी हम कई भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे पहला है लिक्विड फंड, ये शॉर्ट टर्म फंड होता है। इसके तहत हम प्राइमरली मुख्य रूप से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, कॉमर्शियल पेपर हो गया, टर्म डिपॉजिट हो गया, इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है ये 3 महीना से 6 महीना के बीच, या कहें 91 डेज होता है इसका मैच्योरिटी पीरियड। ये वैरी करता है थोड़ा सा स्कीम टू स्कीम, आप कौन सा स्कीम चूज करते हैं इसमें। उसके बाद आता है हमारा गिल्ड फंड। गिल्ड फंड होता है हमारा मीडियम और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। मतलब गिल्ड फंड में आपका जो मनी है वो ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में सिर्फ इन्वेस्ट करता है, या जो हाई क्वालिटी के कॉर्पोरेट है उसमें। तो इसमें आपका जो डिफॉल्ट रेशियो है बहुत ही कम होता है, मतलब रिस्क रेशियो बहुत ही कम होता है। उसके बाद हमारा आता है FMP, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। ये एक स्पेशल टाइप का डेप्ट म्यूचुअल फंड है जो कि क्लोज्ड इंडेड होता है, मतलब इसमें न्यू फंड ऑफर के वक्त आप सिर्फ इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक निश्चित टाइम के बाद ये मैच्योर होगा और आपका जो रिटर्न होगा वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये थे डेप्ट म्यूचुअल फंड के टाइप। अब हम चलते हैं बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड। बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड, उसे हम हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के भी नाम से जानते हैं। इसमें हम क्या होता है, कुछ फंड, मतलब जैसे हम इन्वेस्ट किए उसका कुछ पार्ट हमारा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है, कुछ पार्ट हमारा डेप्ट में इन्वेस्ट किया जाता है। तो जैसे हमारा, तो ये हो गया क्या, इट ऑन बोथ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। तो इक्विटी में जो इन्वेस्ट होगा मतलब वो स्टॉक में चला जाएगा, और बॉन्ड में जो इन्वेस्ट होगा वो बॉन्ड में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये बैलेंस्ड फंड होता है, और इसके दो टाइप होते हैं, एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड, दूसरा डेप्ट ओरिएंटेड। इक्विटी ओरिएंटेड हो गया कि आपका 60% जो हमारा इक्विटी में इन्वेस्ट हो और 40% डेप्ट में, तो उसे हम इक्विटी ओरिएंटेड बोलेंगे। और जब आप 60% डेप्ट में इन्वेस्ट करते हैं और 40% इक्विटी में, तो वो हो गया डेप्ट ओरिएंटेड फंड। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो बहुत ही डिटरमाइन करता है आपका म्यूचुअल फंड का रिटर्न क्या होगा। 1% कम रिटर्न लॉन्ग टर्म में आपको करोड़ों रुपए का घाटे दे सकता है। जैसे आप
30 ईयर्स 40 ईयर्स के लिए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के लिए आप अगर 20,000 50,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो करोड़ों का फर्क डालता है आपका 1% रिटर्न। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित है एक म्यूचुअल फंड के बारे में आप जान चुके हैं, तो आप हमेशा कौन सा प्लान चूज करेंगे? डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान चूज करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा जो जीरोधा क्वाइन ऐप है या हमारा जो ग्रो ऐप है उस पर अपना डायरेक्ट ऑनलाइन अकाउंट ओपन कीजिए। सिर्फ EKYC करना, EKYC मतलब घर बैठे आपको अपना सारा KYC करना है और आपका जो अकाउंट ओपन हो जाएगा, इसमें डीमैट अकाउंट का जरूरत भी नहीं है और अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे क्वाइन पे हम म्यूचुअल फंड बाय करते हैं, ग्रो ऐप पर कैसे बाय करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, तो आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड मतलब 1% का रिटर्न आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि रेगुलर फंड में जो होता है इसमें एक्सपेंस रेशियो आपको 1.5% से आपको 3% तक देखने मिलेगा, 1.5% से कितना 3% तक। वहीं डायरेक्ट प्लान बाय करते हैं तो इसमें आपको 0.1% से शुरू होगा, समझिए 0.1 से शुरू होगा और आपको 1% तक या 1.5% तक, मतलब रेगुलर प्लान में जहां एक्सपेंस रेशियो चालू होता है वहां तक में ज़्यादातर डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंस रेशियो खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप 0.5% डायरेक्ट प्लान चूज करते हैं और रेगुलर प्लान 2% चूज करते हैं तो बहुत फर्क है, मतलब 1.5% का आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम रिटर्न दे रहा है। तो ये होता है डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। लेकिन एक बेनिफिट्स भी है रेगुलर प्लान, अगर आप बिल्कुल भी म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जान रहे हैं, मतलब इस वीडियो को देखने के पहले आप बिल्कुल नहीं जान रहे थे, तो आपको कौन चूज करना चाहिए था? रेगुलर प्लान। इसमें क्या होगा, वो आपका रुपया तो लेगा, मतलब एक्सपेंस रेशियो मतलब आपका जो कमीशन है वो तो लेगा, लेकिन आपके फंड को एक्टिवली मैनेज करते रहेगा, मतलब लगातार आपका फंड चेंज करते रहेगा, आपका स्टॉक चेंज करते रहेगा, मतलब जिसमें आपको ज़्यादा रिटर्न मिले उस फंड में मतलब उस स्कीम में वो इन्वेस्ट करेगा, आपका उस स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा। तो ये होता है रेगुलर प्लान में। अगर कोई डायरेक्ट प्लान 10% का रिटर्न दे रहा है और रेगुलर प्लान आपका अगर 15% का, तो इतना का अगर गैप हो तो रेगुलर प्लान चुनना ही बेहतर होगा। लेकिन जनरली होता ऐसा नहीं है कि जो डायरेक्ट प्लान भी है, जो अच्छे प्लान है वो भी अच्छा रिटर्न देते हैं रेगुलर प्लान से। अगर रेगुलर प्लान से आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है डायरेक्ट प्लान में, तो फिर ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो पे करने का कोई उद्देश्य नहीं है, मतलब आप ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो पे करके अपना ही घाटा ले रहे हैं। तो इसलिए घाटा नहीं लेना है, आपको डायरेक्ट प्लान चुनना है क्वाइन ऐप पर, ग्रो ऐप पर। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आगे आपको बताएंगे सारे के सारे चीज़ें। आगे है हमारा टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी पीरियड के बेसिस पे हम म्यूचुअल फंड को दो भागों में रखते हैं, एक ओपन एंडेड, दूसरा क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में हमारा कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, आप जब मन हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। जब आपको लगे कि हमारा म्यूचुअल फंड पे कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है हमारे इन्वेस्टमेंट पे, तो आप उससे बाहर हो जाइए, अपना अमाउंट बाहर ले लीजिए। तो ये है हमारा ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। इसमें आप SIP कर सकते हैं, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं कि हर मंथ आप 1000 इन्वेस्ट करेंगे, अपने सैलरी से 1000 हर महीने देंगे, या आप 500 तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप 100 रुपये पर मंथ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें SIP मोड होता है, जब मन हो SIP रोक सकते हैं, जब मन हो SIP फिर चालू कर सकते हैं। तो पूरी तरह से इसमें फ्रीडम होता है, जब हो आप इन्वेस्ट करें, जब मन हो आप स्कीम से बाहर आ जाएं। दूसरा है ये लमसम अमाउंट, आप एक ही बार अगर लमसम अमाउंट करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मार्केट नीचे आता है तो उस समय हम चाहते हैं कि एक ही बार लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर दें एक लंबे समय के लिए, जैसे 20 ईयर्स 30 ईयर्स रिटायरमेंट प्लान या वेल्थ क्रिएट प्रोग्राम, इसके तहत अगर आप लमसम भी करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। उसके बाद आता है STP सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, इसमें आप ले सकते हैं कि एक फंड से दूसरे फंड में जाना है तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकाल करके दूसरे फंड में इन्वेस्ट करते जाते हैं एक फंड से दूसरे फंड में। उसके बाद सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, अब आप चाहते हैं कि हम जो है थोड़े थोड़े अमाउंट करके अपना जो है इन्वेस्टमेंट बाहर लेते जाएँ, मतलब अपना रिटर्न लेते जाएँ, तो वो भी आप इसमें ले सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्लोज इंडेड म्यूचुअल फंड, इसमें मैच्योरिटी पीरियड निर्धारित होता है, जैसे 3 ईयर्स 5 ईयर्स 3 मंथ 6 मंथ, हर तरह का मैच्योरिटी फंड होता है। जैसे आप डेट फंड लेते हैं, इक्विटी फंड लेते हैं, हर किसी का मैच्योरिटी पीरियड उसमें अलग अलग फंड का अलग अलग स्कीम का अलग अलग होता है। उसके बाद आता है अदर म्यूचुअल फंड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड, इस तरह के फंड यूज होते हैं जैसे चाइल्ड मैरिज के लिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए या रिटायरमेंट के लिए। इस तरह का जब कोई प्लान आप बनाते हैं तो उसमें आप सेलेक्ट करते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। उसके बाद आता है फंड ऑफ फंड, जो हमारा म्यूचुअल फंड है तो एक फंड अलग से बनाया जाता है कि आप हर म्यूचुअल फंड का
जो यूनिट्स है उसको बाय करें जो स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होगा और सेकेंडरी मार्केट में एक दूसरे को सेल होगा। और भी फंड है जैसे फ्लोटिंग रेट फंड, आर्बिट्रेज फंड, उसके बाद इनकम फंड, तो बहुत तरह के म्यूचुअल फंड हैं। तो लेकिन जो मेन फंड है आपको हमने बता दिया कि जो डेप्ट फंड है, इक्विटी फंड है, उसके बाद अदर्स फंड में आपका जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड है ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर और भी कोई चाहिए इस सब में से आपको किसी विशेष पर जानकारी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उस पर डिटेल वीडियो बना करके देंगे। जैसे फ्लोटिंग रेट फंड क्या है, आर्बिट्रेज फंड क्या है, इनकम फंड क्या है, इस तरह के बहुत सारे और भी फंड हैं। उसके बाद आते हैं कि व्हाट टू चेक बिफोर बाइंग ए म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड आप बाय तो कर रहे हैं, इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, उसको बाय करने से पहले आपको क्या चीज़ चेक करना बहुत ही नेसेसरी है। सबसे पहला है एग्जिटेंस क्या है, वो म्यूचुअल फंड पहले से प्रीवियस में मौजूद था या नहीं। अगर नया म्यूचुअल फंड है तो कहा जाता है नया म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि जो एग्जिटेंस म्यूचुअल फंड है जो पिछले 5 साल से है उसमें हम देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म किया, कैसा रिटर्न दिया, इसलिए उसके एग्जिटेंस को ज़रूर चेक करें। नए म्यूचुअल फंड से थोड़ा दूर रहें क्योंकि आप उसके रिटर्न को नहीं देख सकते हैं, तो वो आपके लिए हाई रिस्की हो सकता है। इसलिए जो म्यूचुअल फंड पीछे परफॉर्म करता आया हो, मतलब कोई म्यूचुअल फंड ऐसा मत चूज करें जो पहले रैंक पे हो और किसी साल वो आपको डायरेक्ट पता चले कि 40वें रैंक पे चला गया, इस तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम को ना सिलेक्ट करें। वैसे म्यूचुअल फंड जो हमेशा टॉप 10 में रहा हो तो वैसे ही म्यूचुअल फंड को मतलब कंसिस्टेंसी ज़रूर चेक करें कि वो कंसिस्टेंस परफॉर्म करता आया हो। उसके बाद आता है फंड मैनेजर एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस, जो आपके म्यूचुअल फंड को मैनेज करेगा उस फंड मैनेजर का जो एक्सपीरियंस है और जो परफॉर्मेंस है प्रीवियस, उसे ज़रूर चेक करें कि उस फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस ज़रूर चेक करें, उसका परफॉर्मेंस के पीछे वो कोई फंड मैनेज किया है तो उस कितना रिटर्न दिया, आपके आसपास अगर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हो तो उसका चेक करें कितना रिटर्न मिला, तो इस तरह के बातों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है रिव्यू दी म्यूचुअल फंड स्कीम एंड इन्वेस्टमेंट स्टाइल, म्यूचुअल फंड स्कीम का रिव्यू ज़रूर करें और उसका स्टाइल क्या है इन्वेस्टमेंट का, वो कितना डेप्ट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक में कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, कौन से सेक्टर को ज़्यादा प्रीफ्रेंस देते हैं, कौन से स्टॉक में ज़्यादा प्रीफर करता है, मतलब ज़्यादा वेटेज देता है, क्योंकि ज़्यादा वेटेज जिस स्टॉक का है आपका रिटर्न भी उसी स्टॉक के अनुसार होगा, तो इन सब बातों को ध्यान में रखें। उसके बाद आता है रिव्यू एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो जितना बड़ा एसेट होगा या जितना छोटा एसेट होगा वो उतना ही कठिन होगा, इसलिए एसेट का रिव्यू ज़रूर करें। उसके बाद जो हमारा बात ध्यान में रखना है कि जितना मीडियम एसेट होगा, ना तो ज़्यादा एसेट हो ना तो कम एसेट हो, तब मीडियम एसेट वाले फंड ही ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं, तो इसलिए आप एसेट ज़रूर चेक करें कि एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है। उसके बाद आता है चेक दी इन्वेस्टमेंट एलोकेशन, इन्वेस्टमेंट एलोकेशन को ज़रूर चेक करें। उसके बाद आता है फंड हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, ये तो पहले भी मैंने बताया कि फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ज़रूर देखें कि पीछे कैसा परफॉर्म किया है, वो हमारा टॉप 10 में हमेशा रहा हो, ऐसा नहीं कि एक साल वो फर्स्ट रैंक पे रहा हो और अगले साल वो 40 रैंक पे चला जाए, इसलिए नए फंड से दूर रहें और जो फंड लगातार परफॉर्म किया उसी में इन्वेस्ट करें। उसके बाद एंट्री एंड एग्जिट लोड, एंट्री लोड अब बैन हो चुका है, सेबी ने इसे ख़त्म कर दिया, एंट्री लोड कहीं भी नहीं लगता है, लेकिन एग्जिट लोड बहुत जगह चार्ज किया जाता है 1%, 2%, तो जनरली आप अगर इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, और एक साल से पहले एग्जिट होना चाहते हैं तो एग्जिट लोड लगाता है, इसीलिए एग्जिट लोड चेक कर लें कि कब आप उसको ऊपर एग्जिट लोड लगाया जाएगा, कितने दिन बाद लगाया जाएगा, और टैक्सेशन भी चेक कर लें कि कितना टैक्स लगेगा आपके ऊपर जो आपका रिटर्न मिलेगा। उसके बाद आता है AMC प्रीवियस रिकॉर्ड एंड रिपुटेशन एंड रिटर्न, जो AMC कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसका रिपुटेशन कैसा है, उन्होंने पीछे कैसा रिटर्न दिया है, ये सारी चीज़ें चेक कर लें। उसके बाद वोलेटिलिटी मेजर, जो हमारा मार्केट है वो वोलेटाइल रहता है, तो इसलिए वोलेटाइल ज़रूर चेक कर लें कि कितने जो फंड आपका है वो जिस स्टॉक्स में, जिस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है वो कितना वोलेटाइल है। उसके बाद आता है इंक्वायर अबाउट द टैक्सेशन इफेक्ट, ये तो मैंने पहले भी बता दिया कि आपका जो रिटर्न होगा उस पर कितना टैक्स लगेगा, कितने पीरियड के बाद
कितना टैक्स लगेगा ये ज़रूर चेक कर लें। उसके बाद आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये ज़रूर चेक कर लें कि आप जो है एफडी को छोड़कर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कितना इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट्स मिलेगा, इस इन्वेस्टमेंट पे आपको कितने प्रतिशत का रिटर्न प्राप्त करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इन सब बातों को ज़रूर चेक कर लें। मस्ट रीड दी ऑफर डॉक्यूमेंट्स, कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम जब लॉन्च होता है तो वो अपना एक ऑफर डॉक्यूमेंट जारी करता है, तो उसका ऑफर डॉक्यूमेंट जरूर, उसमें म्यूचुअल फंड का गोल लिखा रहता है कि वो म्यूचुअल फंड स्कीम का आगे क्या गोल है, मतलब आपको कितना परसेंट रिटर्न देने का है। अब सबसे लास्ट टॉपिक पे आते हैं, ये है वेयर टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करेंगे, म्यूचुअल फंड के बारे में जान तो लिए, कहाँ पर इन्वेस्ट करें? तो जो जुड़ोधा क्वाइन है यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड में स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक भी रुपया नहीं लगता। यहाँ आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं, फिर ग्रो ऐप है यहाँ पर म्यूचुअल फंड को बाय कर सकते हैं डायरेक्ट, मतलब कोई कमीशन आपको नहीं लगता है। यहाँ पर आप डायरेक्ट फंड बाय करें, कोई आपको कमीशन देना नहीं पड़ेगा। तो इस ऐप पर आप बाय कर सकते हैं, सिंपल eKYC आप कंप्लीट करेंगे, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपको डीमैट अकाउंट का भी जरूरत नहीं पड़ेगा और म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आगे के वीडियो में हम बताएंगे कि जीरोधा क्वाइन पर कैसे आप म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं, ग्रो ऐप पर कैसे म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को दबा दीजिए। आगे के वीडियो में हम आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे क्वेरीज को सॉल्व करेंगे।